तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पाकुड़ में शुरू हो गया है। पाकुड़ में ट्रेन के ठहराव को लेकर कई बार मांग उठाई गई थी। पाकुड़ में पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस के ठहराव के बाद झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने मालदा से बेंगलुरु तक चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन का पाकुड़ में ठहराव होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाकुड़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर समारोह को संबोधित करते हुए अमर बावरी ने कहा है कि पाकुड़ के लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा है कि बदलते भारत की एक सौगात पाकुड़ के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। मालदा से बेंगलुरु तक अमृत भारत तक ट्रेन, जो पूरे देश में दो ही ट्रेन आदरणीय मोदी जी ने प्रारंभ की है अमृत उत्सव के अवसर पर, और यह ट्रेन का पड़ाव पाकुड़ में हो रहा है। यहाँ के हजारों नागरिक जो डेली सफ़र करते हैं और जिनको बंगलोर तक की यात्रा करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए, चाहे इलाज के लिए, चाहे नौकरी के लिए, उसके लिए बहुत ही सुगमता देने वाला है, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयों में समाधान करने वाला है। और यह अमृत भारत आपने देखा है कि आम गरीब नागरिकों के लिए, वो आम नागरिकों के लिए, मजदूरों के लिए, पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक ऐसा ट्रेन है जो आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ बदलते भारत की एक तस्वीर के रूप में यह दिख रहा है। आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को धन्यवाद, रेलवे के पूरे मंत्री और पूरी टीम को धन्यवाद। एक मेक इन इंडिया ट्रेन आज यहाँ से प्रारंभ हुई है। प्रारंभ तो 30 तारीख को ही हो गई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया था। आज विधिवत उसका जो है लॉन्चिंग यहाँ पाकुड़ की जनता को सपोर्ट किया गया है। आप सबको बहुत बधाई। मालदा से बेंगलुरु तक अमृत भारत तक ट्रेन, जो पूरे देश में दो ही ट्रेन आदरणीय मोदी जी ने प्रारंभ की है अमृत उत्सव के अवसर पर, और यह ट्रेन का पड़ाव पाकुड़ में हो रहा है। यहाँ के हजारों नागरिक जो डेली सफ़र करते हैं और जिनको बंगलोर तक की यात्रा करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए, चाहे इलाज के लिए, चाहे नौकरी के लिए, उसके लिए बहुत ही सुगम। तो खबर धनबाद से है, जहां धनबाद में आज भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा विधायक राज सिन्हा संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ धनबाद के बरवाडिया बाजार समिति पहुंचे, जहां व्यवसायियों के साथ मिलकर बाजार समिति में मौजूद राम भक्तों के बीच अयोध्या से आए पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र का वितरण किया और राम भक्तों से 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों में साफ सफाई के साथ पूजा पाठ करने का निमंत्रण दिया। साथ ही साथ उन्होंने अयोध्या के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने के साथ साथ हर घर में दिवाली मनाने का भी आग्रह किया है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हम लोग लगातार 15 तारीख से, जो पिछले मैंने 1 तारीख से हम लोग ने शुरू किया है, और यह घर घर जा कर के जो अयोध्या से भगवान राम के मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 तारीख को और मंदिर का अनावरण भी होगा, तो हम लोग वहाँ से जो पूजित अक्षत आए हैं तो सबको घर घर हम लोग भगवान के मंदिर का एक प्रतीक प्रतीक के रूप में उनके फ़ोटो, पूजित अक्षत का एक पैकेट और कुछ करणीय कार्य लोगों को हम लोग बांट रहे हैं। और घर घर सुबह, दोपहर, शाम, दोपहर, रात लगातार सब लोग मिल कर के इस कार्य को कर रहे हैं। आज भी यहाँ बाजार समिति में हमारे साथियों ने, हमारे साथ चेतन जी हैं जो जिला चैम्बर का अध्यक्ष है, यहाँ के विनोद जी, विकास जी, सब लोग मिल कर के, सारे भाई मिल कर के सबके यहाँ जा रहे हैं, पूजित अक्षत दे रहे हैं। सबका यह निमंत्रण भी है कि 22 को तो नहीं, लेकिन 22 के बाद सबको अयोध्या जाना है, और 22 तारीख को दिन में सब लोग अपने अपने घर में पूजा करेंगे, अपने मोहल्ले में धूमधाम से भगवान को के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका। तो रामगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। मकर संक्रांति को लेकर जिले के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत माइल पंचायत के दामोदर नदी घाट पर लाखों लता मेले का आयोजन हुआ।
आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सहित युवा नेता पीयूष चौधरी, अमृतलाल मुंडा शामिल हुए। इससे पहले अतिथियों के यहां पहुंचने पर उन्हें 51 किलो का माला पहनाया गया और बुके देकर स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही मकर संक्रांति के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। लता मेला मकर संक्रांति के अवसर पर यह भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित होता है। लोग आज के दिन दामोदर नदी में स्नान करते हैं और टूसू मेला का आयोजन होता है, जो हमारा झारखंडी संस्कृति, हमारा जो परंपरा है, आज सभी लोग पूरे क्षेत्र में उत्साह के साथ मनाते हैं और टूसू मेला का भी आयोजन करते हैं और झारखंडी गीत संगीत सब तरह का कार्यक्रम आयोजित होता है। इस अवसर पर मैं पूरे झारखंड वासियों को मकर संक्रांति के अवसर पर ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं और जो हमारी परंपरा है, इसको जो जल जंगल जमीन जो हमारा है, जो हमारा जीने का आधार है, जो हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, और इस तरह के आयोजन से हम लोग फिर से अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने का हम लोगों को समय मिलता है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी संस्कृति परंपरा। तो हजारीबाग में 2 महीने पहले से ही गया जिले से आए कारीगरों द्वारा तिलकुट का निर्माण किया जा रहा है। मकर संक्रांति में खास परंपरा रही है कि इस दिन लोग विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद चूड़ा दही गुड़ के साथ तिलकुट का सेवन करते हैं। हजारीबाग में अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो पहले की अपेक्षा अब इस कई प्रकार के तिलकुट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें चीनी, गुड़ और खोआ का तिलकुट शामिल है। बाजार में ग्राहकों के लिए 250 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 400 रुपये किलोग्राम तक के तिलकुट बिक रहे हैं। तिलकुट का निर्माण पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है और जिसमें ज़्यादातर गुड़ का तिलकुट ज़्यादा बिकता है और कुछ लोग जिस थोड़ा वैरायटी पसंद करते हैं उनको खोआ तिलकुट, चॉकलेट तिलकुट और भी बहुत तरह के वैरायटी यहाँ लगे हुए हैं, इसमें सारा चीज़ बिकता है और 13 और 14 तारीख को ज़्यादा बिक्री रहती है। स्टार्टिंग 240 रुपये केजी से लेकर के 400 रुपये केजी तक है। खोआ तिलकुट 400 रुपये है, बाकी उससे कम का सारा रेंज का है। कारीगर हमारे यहाँ तो छतरा से आते हैं, बाकी बहुत जगह से गया से भी कारीगर आते हैं, जैसा जिसको अच्छा लगे है। अच्छा है बिक्री, पर पहले चीनी का तिलकुट ज़्यादा बिकता था, पिछले 2-3 साल से गुड़ का तिलकुट ज़्यादा